हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज है सूर्या का बर्थडे। ये है प्रिया, बुआ जी, फूफा जी। तो दोस्तों, हम आए हुए हैं गौशाला, ये दनकौर में है। और आप देख सकते हो यहाँ पे काम चल रहा है। तो सूर्या का बर्थडे आज, इस वजह से हम यहाँ पे आए हुए हैं ताकि हम गौशाला में कुछ दान कर सकें। तो आप देख सकते हो यहाँ पे गाय हैं, काफ़ी सारी गाय हैं यहाँ पे। वैसे यहाँ पे 900 गाय हैं टोटल। तो हम जा रहे हैं अंदर, बाकी मेरे हस्बैंड और फूफा जी दोनों गए हुए हैं गाय के लिए कुछ खाने का सामान लेने के लिए। तो देखते हैं वो क्या लेके आते हैं, तब तक हम यहाँ घूमते हैं। तो हम यहाँ अंदर आ गए हैं, आप देख सकते हो काफ़ी सारे यहाँ पे भूस रखा हुआ है और एक गेट अंदर जाने का है, इसमें देखते हैं क्या है जाके। बेटा आपके लिए आए हम यहाँ। तो यहाँ पे गाय का चारा खाने वाला बना हुआ है, इनमें गाय चारा खाती हैं आके। एक गाय मेरी तरफ आ रही है, भाग वहाँ से भाग गई फिर। तो अब हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारी गायें हैं जो हैं बंधी हुई हैं सामने, वहाँ चलते हैं। ये बुग्गी खड़ी यहाँ पे, यहाँ पे भी शायद गायें रहती होंगी। तो आप देख सकते हो ये है गाय, काफी सारी गायें यहाँ पे चारों तरफ गाय ही गाय हैं। बाकी हम गेट के अंदर नहीं गए। सूर्या की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से हम बात कर रहे हैं। बुआ जी कह रही हैं कि सूर्या को गाय का पूछ लगवा देंगे ताकि अगर उसे नज़र लग गई हो तो नज़र उतर जाए। सूर्या पता नहीं गाय से क्या बात कर रहा है, जब से कुछ ना कुछ बोला जा रहा है उनसे। वैसे बोलना तो अभी तक सीखा नहीं है, लेकिन पता नहीं अपनी लैंग्वेज में गाय से क्या कह रहा है ये। आज सूर्या को बुखार भी है, सुबह से ही बुखार हो रहा है, थोड़ा परेशान भी है ये, लेकिन मैंने इसे मेडिसिन दे दिया तो इसे थोड़ा अच्छा लग रहा है। बाकी हमें गौशाला आना था तो इसे हम ले आए और ये यहाँ पे इंजॉय काफ़ी कर रहा है, गाय को देख के बहुत ही खुश हो रहा है, उनसे बातें कर रहे हैं। तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं और देखते हैं मेरे हस्बैंड अभी तक आए नहीं आए। आए तो फिर हम गाय को जल्दी खिला लें, फिर हमें घर भी जाना है, शाम की तैयारी भी करनी है, काफ़ी सारे लोग भी आएंगे। तो ये मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, तो ये यहाँ पे हाथ धो रहे हैं। आप देख सकते हो गाय यहाँ पे पानी पीती हैं, जितनी भी गाय हैं। और यहाँ पे एक नल भी है, तो देखते हैं क्या लेके आए हैं खाने के लिए गाय के लिए। तो हम इसके अंदर आ चुके हैं, जो यहाँ पे संचालक थे उन्होंने कहा कि आप अंदर बैठ जाइए। तो हम अंदर आ चुके हैं, मैं, बुआ, प्रिया और सूर्या। तो मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं और ये गुड़ लेके आए हैं, और भी खाने का सामान लेके आए हैं गाय के लिए, लेकिन वो अंदर रखवा दिया। और गुड़ अपने हाथों से खिला रहे हैं और हम सब ने गाय को गुड़ खिलाया, बहुत ही मज़ा आया हम सबको। मुझे पहले डर लग रहा था, लेकिन मैंने छोटी छोटी गाय को खिलाया, वो छोटी थी इस वजह से मैंने खिला दिया। तो बहुत मज़ा आया, बहुत ही इंजॉय किया हमें। और आई थिंक हम सभी को गाय को आके खिलाना चाहिए, काफ़ी अच्छा रहता है, पुण्य मिलता है और अंदर से बहुत खुशी मिलती है। तो यहाँ पे गुड़ खिलाने के बाद हमें घर भी जाना है, काफ़ी सारा काम है शाम के लिए, खाने पीने की तैयारी कर रही हैं और गुब्बारे भी लगाने हैं हमें, थोड़ी बहुत घर की सजावट करनी है। बाकी और काम तो हमने घर का कर लिया है, साफ़ सफाई का, बस खाना पीना बनाना है। तो हम सब मिल के बना लेंगे, क्योंकि बुआ जी, फूफा जी, प्रिया और मनीष यानी कि फूफा जी का लड़का, वो भी आ चुके हैं। तो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी काम करने में, क्योंकि अकेले होंगे तो दिक्कत होती है, बाकी बहुत सारे हैं तो काम अच्छे से निपट जाएगा। तो हमने गुड़ खिला दिया, जो देना था हमने दे दिया और हम यहाँ से जाने वाले हैं। अब कम से कम यहाँ 2-2.5 घंटे हो गए हमें और हमने बहुत इंजॉय किया है, काफ़ी अच्छा गौशाला है। आप देख सकते हो श्री द्रोण गौशाला समिति, ये दनकौर में है, ग्रेटर नोएडा में। तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं, सूर्या हल्ला मचा रहे हैं, वो भी काफ़ी थक गया है अब।
तो यहाँ पे हम हाथ धो रहे हैं नल पे, और हाथ धोने के बाद जो है हम बाहर आ चुके हैं अब, और अब हम घर जा रहे हैं। तो अब हम केक काटेंगे, शाम हो चुका है, और बाकी सूर्या की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो अभी हम डॉक्टर के पास से आए हैं सूर्या को दिखा के, और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, और उसे हमने मेडिसिन दे दिया है अभी, तो वो शायद अभी जो है सोने की कोशिश कर रहा है। तो अब हम केक काट लेते हैं, उसके बाद वो सो जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है सूर्या, और उसे बेबी टीवी बहुत पसंद है, इस वजह से हमने बेबी टीवी का जो है केक बनवाया उसके लिए, बट वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं, तो वो बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पा रहा, बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो केक भी काटने को तैयार नहीं है और बस रोया जा रहा है। तो मैंने मोमबत्ती फूंक दी, वैसे भी छोटा है तो उसे पता नहीं कैसे फूंकना। आप देख सकते हो केक काटने में भी रो रहा है वो, तो मैंने उसे थोड़ा सा खिला दिया, थोड़ा सा उसके पापा जी को खिला दिया। देखिए बहुत परेशान है सूर्या, थोड़ा सा मैंने भी खा लिया है। तो बहुत सारे लोग आए हैं, मेरी फ्रेंड्स आई हुई हैं, ये मामा जी की लड़की हैं, मामा जी आए हुए हैं, मामी आई हुई हैं, और मेरे भैया हैं ये, और मेरी मम्मी आई हुई हैं, मेरे पापा आए हुए हैं, तो ये जो मेरे हस्बैंड है उनकी फ्रेंड की वाइफ है यानी कि भाभी जी हैं, और ये मेरी सिस्टर है पूजा। यहाँ बच्चे डांस कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा ही वीडियो बनाया, मैं ज़्यादा नहीं बना पाई हूँ क्योंकि खाना पीना भी खिलाना था, तो इस वजह से ज़्यादा वीडियो नहीं बन पाया, लेकिन जितना बनाया मैंने आप लोगों से शेयर किया है, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। तो बच्चों ने डांस किया, थोड़ा बहुत मैंने भी डांस किया है, बहुत अच्छी चीज़ करवाई थी, डांस की नहीं आता था मुझे ना गाना, बहुत अच्छी चीज़ कराई मैं शादी वाले फ्रेंड्स। मैं इससे ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि सूर्या की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी और मेहमान भी काफ़ी सारे थे, तो उनमें काफ़ी बिजी हो गई मैं, तो वीडियो नहीं बन पाया इससे ज़्यादा, बट आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मैंने जितना बनाया है आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए।